सोल्जर 2 में सोल्जर के गाने रीमेक होंगे? सोल्जर 2 में ऐसी क्या बात रही थी कि उसके साउंड ट्रैक इतना फेमस था? क्या साउंड ट्रैक की वजह से सोल्जर फिल्म ज्यादा हिट रही थी? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा, बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। आज हम सोल्जर 2 और सोल्जर दोनों के ही बारे में बात करने जा रहे हैं। 1998 में आई लोगों की एक बहुत ही ज्यादा चहेती फिल्म सोल्जर, उसके गाने इतने अच्छे थे कि लोगों ने इसे बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए थे। वैसे तो किसी भी फिल्म को ले लीजिए, अगर आपको उसके गाने पसंद आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस फिल्म के लिए काफी ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही 1998 में आई हुई फिल्म सोल्जर के साथ भी हुआ था। इसके साउंड ट्रैक इतने ज्यादा अच्छे लगने लगे थे लोगों को कि लोगों ने इस फिल्म को देखना बिल्कुल ही जरूरी समझा। पैट्रियोटिज्म की इसमें भावना दिखाई गई थी और गाने इतने अच्छे थे कि लोगों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद भी किया था। तो कुछ ऐसा ही हो सकता है सोल्जर 2 में, क्या उसके गाने रीमेक होंगे? अगर आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। सोल्जर में कुल 7 साउंडट्रैक थे और उन 7 में से 4 गाने चार्टबस्टर रहे थे। तो अब इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सोल्जर फिल्म के गाने कितने ज्यादा हिट थे, लोग आज तक उनको सुनते आ रहे हैं। इस फिल्म के म्यूजिक कम्पोजर थे अनु मलिक, जिन्होंने 13 रंग बले बले, सोल्जर सोल्जर, हम तो दिल चाहे और मेरे ख्वाबों में तुम, इन 4 गानों पर ब्लॉकबस्टर किया था और ये 4 गाने बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे। आज तक इन गानों को सुनते आ रहे हैं हम। तो क्या लगता है आपको, सोल्जर 2 में भी ऐसे ही कुछ अच्छे गाने होंगे? हालांकि अनु मलिक पहले ही फेमस थे, लेकिन इन गानों के आने के बाद उनको और ज्यादा अच्छे म्यूजिक कम्पोजर का ओहदा दे दिया गया और लोग उनको और भी ज्यादा पसंद करने लगे इस फिल्म के बाद। उन 7 गानों के सिंगर्स जो थे वो थे अलका याग्निक, सोनू निगम और कुमार सानू। तीनों ही इतने बड़े सिंगर, जहाँ पे एक इतने ही अच्छे कंपोजर अनु मलिक, वहीं इतने बढ़िया सिंगर्स थे, तो आप ये सोचिए कि कैसे साउंड ट्रैक्स हिट ना होते। अब ऐसे में सोल्जर 2 में भी इन गानों की हिट रीमेक की बात चल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन 4 गानों के फिर से रीमेक बनेंगे, जहां इसमें भी बहुत से नए गाने भी रहेंगे, लेकिन इन 4 गानों को वही पुराने सिंगर्स यानी कि सोनू निगम और बाकी सारे सिंगर्स गाने वाले हैं। अब ऐसे में जहाँ इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, वहाँ कोई इन गानों को सुनने के लिए एक्साइटेड क्यों ही ना हो? तो ऐसे में बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर। सिर्फ फैंस ही नहीं, इस फिल्म को लेकर इंडस्ट्री को भी एक मौका मिलेगा फिर से उन चुनिंदा सिंगर्स की गायकी सुनने की, और वो कितने अच्छे गाने थे ये तो आप सबको पता ही है। वैसे तो एक गाने एक मूवी के लिए उसके गाने बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि सोल्जर का सक्सेस के पीछे की राज इनके साउंड ट्रैक की थे। हालांकि उसमें एक्टिंग की भी कोई कम नहीं थी, एक्टिंग भी बहुत अच्छी की थी, लेकिन साउंड ट्रैक्स पहले रिलीज हुए थे जिसके कारण लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे इस फिल्म से, और इसीलिए अब सोल्जर 2 के लिए भी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं जब से उनको ये पता चला है कि गाने रीमेक बनने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको, सोल्जर 2 के मेकर्स और क्या नया ला सकते हैं? ये हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे ही। तब तक इस वीडियो में कमेंट करिए और हमें ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को कुछ ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।